जिला कांगड़ा के अंतर्गत बडलठोर बाजार में लंबे समय से खस्ता हाल सड़कों को लेकर गुस्साए स्थानीय लोगों और दुकानदारों में चक्का जाम कर दिया गया, जिससे ढलियारा से डाडा सीबा संपर्क मार्ग पर लंबा जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक लोगों ने जाम लगाए रखा। SDM दोहरा 2 घंटे बाद मौके पर आए। SDM ने लोनीवी के जई को बुलाया और सड़क की जल्द मुरम्मत के निर्देश दिए, तब लोगों ने जाम खोला। लोगों का कहना है कि लोनीवी की उदासीनता के कारण यह काफी समय से समस्या बनी हुई है। पिछले 4 सालों से बड़ल बाजार में सड़क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। हल्की बारिश होने पर ही सड़क पर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। बाजार में बारिश के पानी के कारण निकासी नहीं हो पाती है। ग्रामीणों की माने तो लिखित और मौखिक तौर पर इस समस्या के बारे में कई बार SDM देहरा और लोनीवी के एक्साइन एवं SDO को बता चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या के हल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। SDM ने धनवीर ठाकुर ने लोनीवी के निर्देश दिए कि सोमवार तक लोगों के साथ समन्वय बैठाकर इस समस्या का हल किया जाए। तो केस का पता नहीं है तो नहीं सर, वो तो मैं अभी देखूंगा नहीं, मेरे पास ही अभी चार्ज मैंने नोटिस है नहीं, मैंने कोर्ट में ले जाने तो पहले लोग कह रहा है जाओ जहाँ देखना तो मैं क्यों पहुँचूँगा अभी के साथ कोर्ट में ले जाने से पहले उसका सोल्यूशन कोर्ट कार्ड में चले गए वो तो बात। लेकिन लोगों का यहाँ पे ये नाराजगी है कि यहाँ पे पानी खड़ा होता है। पानी की निकासी के लिए हमने कई बार प्रशासन ने काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन लोगों में इसमें एकता नहीं बनती है। आज अभी जेई कंसर्नेंट यहाँ आए हैं, ये एरिया जो है वो देहरा में अब ट्रांसफ़र हुआ है और ये अश्योर्ड यू के PWD वालों ने बोला है कि इसको हम 3 टायर्स में पानी को इधर उधर कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इसका हल हो जाएगा। मुझे माननीय उपायुक्त का आदेश है कि अगर PWD को पैसों का कोई ज़रूरत है तो PWD विभाग जो है वो सॉरी हमारा प्रशासन जो है वो पैसे देने को भी तैयार है ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।